हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि KVS LDC का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, आज 8 तारीख है और 19 से 23 तक पेपर है। 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में पेपर है, कंडक्ट हुआ है। तो आज 8 तारीख है, मतलब हमारा बचा है 10 दिन, अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन से 11 दिन 12 दिन बचे हैं। और अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट, ये किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट जो बुक है, ये मिल नहीं रही है मार्केट में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैथ के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि कोई भी ये फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है यहाँ पर, कि वीडियो कोई शूट करने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ एक्चुअली, तो इसलिए मैं अकेले रहता हूँ, तो कर नहीं पा रहा हूँ वीडियो, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। आप लोग मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए, जो लगवाया गया है, 2-3 वीडियो बन चुकी है, उसी पे आएंगे, उसी टॉपिक पे आएंगे। आप सबसे बड़ी मेन बात, आप सिलेबस डाउनलोड करिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। जितने KVS LDC के जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में मैथ में, रीजनिंग में, GK में, कंप्यूटर में, जो सिलेबस दिया, सिलेबस में जो चैप्टर दिया गया, उस चैप्टर वाइज आप प्रिपरेशन कीजिएगा। चैप्टर से बाहर नहीं आएंगे, जितने चैप्टर मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, वही चैप्टर पूछे जाए, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो KVS LDC की बुक में 5वां सेट है, उसमें का हम इंग्लिश सेक्शन देखेंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। आप खुद देख लीजिएगा, आप लोगों को बुक नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इससे खुद सॉल्व किया है। मैं एक्चुअली मैंने भी KVS LDC का फॉर्म डाला है और इस सेट को मैंने खुद अपने मन से पहले सॉल्व किया है, तो इसीलिए कहीं कहीं जो गलत हो गए क्वेश्चन, उसका भी मार्क लगा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए, ये है एरर वाला सेंटेंस, एरर का क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें मैंने पहले वाले में तो सही लगाया था, ये ए पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ सेकंड, मतलब सेकंड में एरर है, ये सेकंड में एरर है इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ए वेराइंग क्वालिटी अपियर्स इन डेलीज एंड पीरियोडिकल्स। तो चौथा ऑप्शन है नो एरर। तो इसमें मेरा गलत हो गया था, ये मैंने शायद ये दूसरा किया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो सही है शायद इसमें ये है, एक मिनट में देख रहा हूँ, सॉरी। इसमें दूसरे में दूसरा का तीसरा सही, हाँ तीसरे पार्ट में एरर था, यहाँ पे तीसरे पार्ट में एरर था, ये इसमें एरर था, ये सही था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये। फिर उसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज इज एड्स। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है, एरर क्या था, यहाँ पे डिजीजेज होता, यहाँ पे एस एक और होता तब ये सही होता, इसलिए यहाँ पे ये थर्ड पार्ट में गलत है ये। फिर ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर आपका, मतलब अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर स्पेलिंग एरर जो होता है क्वेश्चन, वो आया है यहाँ पे, मैंने पहला लगाया था बट ये गलत गया। आप लोग भी ऐसे ही गलती करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, कंसिस्टेंस का स्पेलिंग यहाँ पे मिस है, ये स्पेलिंग इसकी सही होती है। दूसरा 5वां क्वेश्चन है, आई कन्वे माई थैंक्स, तो यहाँ पर मैंने फॉर कर दिया था। आप लोगों की भी गलती, ये बेसिक जो नॉर्मल गलतियाँ हैं, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, मैंने भी किया है, मतलब आप भी करेंगे, हाँ कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, मानते हैं। तो ये यहाँ पे 2 होगा, आई कन्वे माई थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ क्लब। फिर 6ठा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट, यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, अब आप खुद एनालाइज कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, पहले 3 आए हैं एरर स्पॉट वाला, स्पॉटिंग एरर वाला, फिर 2 क्वेश्चन आए हैं, 1 क्वेश्चन आया है यहाँ पर स्पेलिंग एरर वाला, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स के पूछे गए हैं। फिर तो यहाँ पर द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू, यहाँ पहला ऑप्शन सही है इसका। फिर क्वेश्चन 7वां है, यहाँ पर अब आ गया है आपका, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर 7वां का मतलब एक टाइप का सिनानिम्स पूछा गया है, हार्ड का सिनानिम्स, तो डिफिकल्ट इजी क्वेश्चन है। फिर हॉमरुअस का है, विटी होता है, ये मैंने सही किया था। फिर उसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन है, स्लैब, इसका अपोजिट आया है, तो 2 ये हो गया आपका, मतलब जो नियरली सही होता है मीनिंग उसका।
फिर उसके बाद दो अपोजिट क्वेश्चन पूछेंगे, स्लैब मतलब होता है गुलाम, तो यहाँ मास्टर मतलब मालिक, यहाँ अपोजिट हो गया उसका, 3 नंबर सही है। फिर डीप मतलब होता है गहरा, तो ए ऑप्शन सही होगा, सालो छिछला। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव टू टोल्ड टाइम एंड, अगर यहाँ आइडियम्स एंड फ्रेज का आ गया है क्वेश्चन, तो इसका मैंने ऑलवेज लगाया था, बस ऑफन होता है इसका, टाइम एंड अगेन जो आइडियम्स फ्रेज है इसका ऑफन होता है। फिर 12 नंबर है, 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, ही हैंडल्ड द सिचुएशन विथ एन आयरन फिस्ट, तो इसका स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता से, तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट है कोई कोई सेंटेंस सेंटेंस एकदम सही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग मतलब यहाँ ये बारिश सुबह से हो रही है, तो सिंस मतलब सुबह से। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, आई एम नाइदर ए पोएट नॉर फिलोसफर, ना मैं एक कवि हूँ और ना ही मैं एक फिलोसफर हूँ, तो अपन नॉर ए फिलोसफर, तीसरे सही है इसका यहाँ पर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस, ठीक है, अल्टरनेटिव चूज, तो यहाँ एन एक्ट ऑफ वायलेंस, ये मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन, तो इसका हाईजेक मतलब एक प्लेन को अगर किसी और ने कंट्रोल कर लिया हो तो उसको क्या कहते हैं, हाईजेक तो हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, तो इसका ओमनीपोटेंट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, तो इसका होगा इनविजिबल। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है इसका, ये भी स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आया है यहाँ पर, तो चार चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा वर्ड एग्जैक्ट स्पेलिंग है, तो यहाँ पर इल्यूक्यूशन होता है, यहाँ पर डी तीसरा सही है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, ये जस्ट पोजीशन ये सही है पहला। 20वां नंबर क्वेश्चन है, हजार डुअस, तो हजार डुअस सिनानिम से मतलब खतरनाक, डेंजरस का सिनानिम। तो ये देखिए आपने कि इस सेट में 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आए हैं किस टॉपिक से, और आपको एक सीक्वेंस पता चल गया होगा कि तीन तीन क्वेश्चन आपके आते हैं स्पेलिंग सॉरी सेंटेंस एरर का, स्पॉटिंग एरर का आता है, फिर उसके बाद में आपका आएगा स्पेलिंग एरर का आएगा, फिर 2 क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स के आते हैं, फिर 2 क्वेश्चन अपोजिट के आते हैं, फिर सॉरी 2 क्वेश्चन मतलब सिनानिम से पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन अपोजिट आता है, फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन आइडियम्स एंड फ्रेज से आते हैं, फिर आपके 2 क्वेश्चन आपके ये आ जाता है नॉर फिलोसफर सिंस, ये मतलब सेंटेंस एरर का आ जाता है, फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन आ जाता है आपका आइडियम्स एंड फ्रेज से, फिर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके स्पेलिंग एरर से, ठीक है, फिर सिनानिम से 1 क्वेश्चन आ गया, तो आपको सीक्वेंस पता चल गया होगा ना, ऐसे बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, अच्छे से अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा इंग्लिश वगैरह तो बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा। तो अभी हम हिंदी के भी दिखाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, अगर बुक नहीं मिली है तो मैं ऐसे सेट दिखा देंगे आपके। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कुछ हेल्पफुल अगर लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।